दीपावली पर घर के इन वस्तुओं का बिल्कुल भी ना करें अपमान, नहीं तो रूठ जाएंगी देवी माँ लक्ष्मी। हम मानते हैं कि समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया था और तब समुद्र से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। सबसे आखिर में देवी लक्ष्मी भी समुद्र से ही अवतरित हुई थी। समुद्र से एक शंख निकला था जिसके अंदर देवी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। आने वाले दिनों में दीपावली है और दीपावली यानी कि देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन। देवी लक्ष्मी की कृपा से ही संसार चलाया जाना है और इसके आशीष के बिना न किसी को वस्त्र मिलेगा, न भोजन और न ही भौतिक अवस्था में संपत्ति। कही जाने वाले सभी साधन देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप है, इसलिए देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे जुड़ी सभी वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए और घर की कई वस्तुओं में भी देवी का वास है। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनके रूप में देवी माँ हमारे बीच रहती हैं? हम जानते हैं शंख को, और शंख क्या है? हिंदू धर्म में शंख का विशेष महत्व है। भगवान की पूजा करते समय शंख बजाने की परंपरा परसों से चली आ रही है, और धर्म के आधार पर शंख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे जगत पिता भगवान नारायण धारण करते हैं। विष्णु पुराण में इस बात का भी उल्लेख है कि शंख में देवी लक्ष्मी का वास है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया और तब समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। सबसे आखिर में देवी लक्ष्मी भी समुद्र से अवतरित हुई और समुद्र से एक शंख निकला था जिसके अंदर से देवी लक्ष्मी माँ प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने तब देवी लक्ष्मी से विवाह कर शंख को धारण किया और इसलिए घर में शंख जरूर रखना चाहिए। ध्यान रखें कि दक्षिणामुखी शंख ही घर पर रखें, यह शुभ होता है। इसके अलावा झाड़ू का प्रयोग हम रोज करते हैं। घर की साफ सफाई में काम आने वाली झाड़ू का वास्तु शास्त्र में बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है और वास्तु शास्त्र में इस बात का भी उल्लेख है कि झाड़ू को न तो कभी अपमान करना चाहिए और न ही इसे कभी दान भी देना चाहिए। घर के बर्तनों में भी देवी लक्ष्मी का वास है। रसोई घर में देवी लक्ष्मी अन्नपूर्णा स्वरूप में रहती है, इसलिए स्थान पवित्र माना जाता है। यहाँ कभी भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कभी भी जूठे बर्तन छोड़कर नहीं रखने चाहिए। रात में तो बिल्कुल भी नहीं। इन बर्तनों को धोकर सुखाकर रखना चाहिए। श्रृंगार का सामान नारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी साज सज्जा और स्त्रियों के श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं उनमें देवी लक्ष्मी का वास होता है। देवी लक्ष्मी वैभव स्वरूप है और आभूषण श्रृंगार सामान भी वैभव दर्शाते हैं। वास्तव में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग जिस संपत्ति के तौर पर करते हैं वह देवी लक्ष्मी है, इसलिए महिलाओं के अपने आभूषण सुरक्षित और सलीके से रखने चाहिए। सोने चांदी के संपर्क में का गंदगी से नहीं होना चाहिए। इन्हें धारण करते हुए पहनते हुए शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह हमें दीपावली का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।